हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। राहुल, दया कहाँ है यार तू? दया, मुझे तुझसे बहुत जरूरी काम है। क्या काम? क्या है? मैं तुझे फोन पे सब कुछ नहीं बता सकता। क्या? बस तू इतना समझ ले कि अगर इसे रोका नहीं गया तो सब खत्म हो जाएगा। राहुल बता, तू है कहाँ? मैं अभी यहाँ से निकल रहा हूँ। तू मुझे मलाड मॉल में आके मिल। ठीक है, मैं 20 मिनट में वहाँ पहुँचने वाला हूँ। ओके, देखो मैं आ गई ना। ठीक 10 बजे का वादा 10 बजे निभाया है। अब तुम कोई बहाना नहीं बना सकते कि मीनाक्षी ये, मीनाक्षी वो। देखो मीनाक्षी, मैं यहाँ। देखो राहुल, नाउ यू डेयर नॉट कैंसिल आवर डेट। वैसे भी हम बहुत दिनों से नहीं मिले हैं। देखो तुम गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। कम ऑन, कम ऑन प्लीज, हम मलाड जा रहे हैं। कम 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 कम। देखो जिद मत करो, मैंने तुम्हें कहा ना मैं सब कुछ बताऊंगा तुम्हें। चलो। ओके। बड़ा सीरियस लग रहा था राहुल फोन पर, वो पहले तो कभी ऐसा नहीं था। यहाँ नहीं आना चाहिए था। क्यों? क्या बात है डॉक्टर? कोई खतरनाक बीमारी है क्या? ये सब बबल वगैरह लगा के रखा है? क्या हुआ है इस आदमी को? किसी किस्म का वायरस है सर, जो इसे खत्म कर देगा। इट्स अ किलर वायरस सर। किलर वायरस? जिसे लग गया उसे लग गया, फिर इंसान के शरीर को एसिड की तरह गला देता है। इससे किसी को भी ये वायरस लग सकता है? जो इसे छुएगा या इसके पास जाएगा उसे लग जाएगा। इसे भी ऐसे ही लगा होगा सर। और अगर हम जल्द से जल्द इस वायरस के बारे में पता नहीं करेंगे, देयर इज द एंड। एंड का क्या मतलब है? एंड का मतलब है आप, मैं, हम सब, पूरा का पूरा शहर खत्म हो जाएगा। हम सब मर जाएंगे। कोई हमारे पीछे पड़ा हुआ है। कौन? तुम चलो मेरे साथ। हेलो राहुल, कहाँ है यार तू? मैं बिल्कुल तेरे आसपास हूँ यार। कोई मेरा पीछा कर रहा है यार, पता नहीं कौन है। बोलो क्या, कौन लोग पीछा कर रहे तेरा? मैं नहीं जानता। हेलो, हाँ दया, मैं यहीं पर हूँ।
तू तू है कहाँ? ये बता कहाँ है तू? हम लोग आ जाते तुझे लेने के लिए। कहाँ है तू? मैं बिल्कुल तेरे पास हूँ यार। हाँ हेलो, हाँ हेलो दया, हेलो 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 राहुल, राहुल फोन डिस्कनेक्ट हो गया। बोला कहाँ पे है, कहाँ पे है वो? अभिजीत मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। वो कह रहा था कि उसके पीछे कुछ लोग लगे हुए हैं। अच्छा, वो यहीं आसपास कहीं है। क्या बात, क्या बात है सर? वहाँ पर किसी आदमी ने किसी को गोली मारी सर। वहाँ पर गोली मारी? हाँ वहाँ पर। एक्सक्यूज मी, राहुल राहुल, अभिजीत इसे हॉस्पिटल लेके चलते जल्दी से। लेट्स गो राहुल। रहने दो। नहीं राहुल, तुझे कुछ नहीं होगा, तू चिंता मत कर। दया, मैंने तुझे बहुत तकलीफ दी दोस्त। नहीं, लेकिन मैं लेट हो गया। कोई देर नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक हो जाएगा। हम लोग तुझे हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं ना। दया मेरी बात सुन। दया, मेरी कोई मदद नहीं कर सकता, पर तू दया तू मदद कर सकता है। तू इन सबकी मदद कर सकता है। दया देख, मेरे पास टाइम नहीं। दया मेरी बात ध्यान से सुन। दया मेरी बात सुन। मैं सुन रहा हूँ राहुल, बोल। दया मुझसे वादा कर, दया उसे होने से रोक ले। कल कर दया। क्या होने से बचा ले? मगर मैंने उसे छुपा दिया। दया उन्हें पता नहीं लगेगा। दया क्या क्या छुपाया? दया सीढ़ी, दया एक सीढ़ी, बहुत सारी सीढ़ियों में एक सीढ़ी। Excuse me, sir. Yes, Dr. Neeti. Sir, उस आदमी की हालत इतनी खराब है, लेकिन फिर भी वो सांस ले रहा है। पता नहीं कैसे, लेकिन ले रहा है। बच जाएगा? आई डोंट नो सर, कुछ समझ में नहीं आया कि ये वायरस है कौन सा, इसीलिए मैंने उसकी खाल का टुकड़ा बायोलॉजिकल वॉरफेयर लेबोरेटरी में भेज दिया। वहाँ पे तो सारे खतरनाक वायरस पे रिसर्च होता है। उन्होंने बता दिया है कि ये क्या है, और ये भी बता दिया है कि ये वायरस वहीं पे पैदा हुआ था। मतलब वहीं पे बनाया गया था? हाँ सर, गलती से, और वहां से किसी ने चुरा भी लिया। God, बर्बाद हो गए, सब खत्म हो जाएगा। जिसने भी राहुल को मारा है, उसे मालूम था ये हमसे मिलने आ रहा है, और उसे डर था कि राहुल हमें सब बता देगा। एक बात है बस, जब राहुल मुझसे फोन पे बात कर रहा था तो ये कह रहा था कि हम लोग मिलने आ रहे हैं। मैं नहीं बोला, मैं कह रहा हूं ना, कोई था साथ में जरूर, और यहां सब गायब है, मोबाइल वॉलेट सब लेके चला गया। हमारे सिर पे तलवार टंगी हुई है, अभी तक एक आदमी मिला है जिसका शरीर गल गल के गिर रहा है, बाद में तो हजारों मिलेंगे। यही तो प्रॉब्लम है सर, पूरा का पूरा शहर बर्बाद होने वाला है। और हम क्या यहाँ मौत का इंतजार करते बैठेंगे? कभी नहीं डॉक्टर नियति, पता है किसने चुराया वायरस? यस सर, जो इस वायरस पर रिसर्च कर रहा था डॉक्टर विकास, शायद उसी का काम है ये। शायद का क्या मतलब है सर? पहले उस पर शक था कि वो किसी फॉरेन कंट्री को ये सीक्रेट बेच रहा है, उसे नौकरी से निकाल दिया गया, और कुछ ही दिन बाद ये वायरस लेबोरेटरी से गायब हो गया। गायब हो गया? इस डॉक्टर विकास को पकड़ा नहीं? मिलेगा तो पकड़ेंगे ना सर, कहाँ जाके छुपा है पता ही नहीं चल रहा। वो लोग जरूर वो सीढ़ी ढूंढ रहे होंगे, पर राहुल ने वो सीढ़ी छुपाई कहाँ? सारी सीढ़ी सीढ़ी है, ऐसा कह रहा था ना? हाँ, मरते मरते भी कुछ बोलना चाह रहा था बेचारा। सब कुछ सीढ़ी में छुपा दिया है, सब कुछ सीडी, सब कुछ। शायद कोई ऐसी दुकान हो जहाँ पे कंप्यूटर सीडी मिलती हो, या फिर डीवीडी लाइब्रेरी। हाँ, और वो दुकान यहाँ आसपास ही कहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो यहाँ तक तो जिंदा था। ये क्या है? एक्सक्यूज मी भाई साहब। यस प्लीज। हम लोग सीआईडी से हैं। बोलिए सर। जरा देखिए, ये लड़का आपकी दुकान में आया था क्या? आया तो था, लेकिन बहुत जल्दी में था। उसने कुछ कहा आपसे? वो बस जी, वो सीढ़ी सीढ़ी कह रहा था, अपने आप में बड़बड़ा रहा था। फिर क्या, मैंने उससे कहा या कौन सी सीढ़ी चाहिए आपको, तो बस वो मुझे यहाँ छोड़कर अंदर की तरफ चला गया।
उसके हाथ में कुछ था? वो तो मैंने ध्यान से नहीं देखा, बस वो उधर गया था। उसने वो सीडी वहीं छुपाई होगी। सीडी से भरी दुकान से अच्छी जगह उसे और क्या मिलती। देखिए भाई साहब जी, ये जो लड़का यहाँ पे आया था, थोड़ी आगे जाके उसका खून हो गया है। अरे बाप रे। तो हमें यहाँ पे थोड़ी तलाशी लेनी है। ये उसका फोटोग्राफ है। प्यारे डॉक्टर विकास ने रखा है। ओ, अच्छा। जब जब जो जो होना है तब तब सो सो होता है। मेरी आंखों के सामने, मेरी आंखों के सामने वो मर के और मैं कुछ भी नहीं कर पाए। मत रो मीनाक्षी, सब ठीक हो जाएगा। अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। माया का परिणाम अच्छा नहीं होता। ऐसा समझो कि राहुल की मौत आज निश्चित थी। नियति को कोई नहीं रोक सकता, है ना? हाँ। ये रही वो सीढ़ी। इस सीढ़ी पे कोई लेबल नहीं है। ये सीढ़ी पहचानते हैं आप? ये सीढ़ी आपकी है? ये सीढ़ी हमारी नहीं है सर। ये वही सीढ़ी होगी जो राहुल ने यहाँ पे आके छुपाई है। मई 2006। अच्छी जगह है, पर पर्दों का रंग कुछ खास नहीं लग रहा। चारों तरफ के रंगों में आसपास में कोई रिश्ता ही नहीं है। अजीब सा लग रहा है। टेबल क्लॉथ भी सस्ते मटेरियल से बना है। एम्बियंस फीका फीका सा ही है। होप खाना जरा चटपटा होगा। ये राहुल की आवाज है ना? हाँ। ये ऐसी बातें क्यों कर रहा है? रंग, पर्दे, टेबल का कवर। शायद वो किसी रेस्टोरेंट में बैठा होगा जब उसने ये रिकॉर्ड किया। सर, राहुल का एक बहुत पुराना सपना था, अपना रेस्टोरेंट खोलना, सबसे अच्छा रेस्टोरेंट। इसलिए जब भी वो किसी होटल रेस्टोरेंट में जाता, यही देखता कि वो होटल कैसा बना है। दे, ये पर्दे, खाने की बातें, ये सब सुनाने के लिए तो उसने तुम्हें नहीं बुलाया। कोई तो बात है जो उसने जाके ये सीढ़ी उस म्यूजिक शॉप में छुपा दी। सर, जब वो हमसे मिलने आ रहा था तो शायद वो अकेला नहीं था। अकेला नहीं था तो फिर कौन था साथ में? क्या मालूम सर, पर कोई तो था सर। कौन था? कोई दोस्त, वाइफ, गर्लफ्रेंड? सर, वो शादीशुदा नहीं था तो गर्लफ्रेंड हो सकती है। हाँ, स्टॉप, रिप्ले करो। यही बात थी जो राहुल तुम्हें बताना चाहता था। उसे पता चल गया था कि सीडी में कुछ रिकॉर्ड हो गया है। सर, उसने उस आदमी को देख लिया होगा जिसने ये बात बोली थी। और तभी तो उसका खून किया गया है। तो कल एक बॉम्ब फटने वाला है। हाँ, कल एक बॉम्ब फटने वाला है। पर कहाँ? वो बॉक्स
मैं कल डिलीवर कर दूंगी। कल डिलीवर करोगे? हाँ, वो 571E1115। कितना अच्छा नंबर है 571E1115। कॉफी? नो थैंक्स। सुबह हो गई मगर अभी तक पता नहीं चल रहा है कि ये नंबर 571E1115 है क्या? पता नहीं ये बॉम्ब कहां फटने वाला है। गुड मॉर्निंग, क्या हुआ, कुछ पता चला? वायरस चोर डॉक्टर विकास का? उसका तो कुछ पता नहीं चल रहा है मगर उसके पहले उसका बाप सामने आ गया है। विकास का बाप? हाँ डॉक्टर नियति, वो वायरस तो हजारों लोगों को मारेगा ही मारेगा, उसके पहले कहीं पे एक बॉम्ब फटने वाला है और पता नहीं चल रहा कहाँ पे। कब फटने वाला है कुछ? 571E1115। हाँ डॉक्टर नियति, इसी नंबर में सब कुछ छुपा है, कब क्यों और कहाँ। और वो वायरस, उसे भी तो ढूंढना जरूरी है। डॉक्टर नियति, पहले हमें उस बॉम्ब को फटने से रोकना है और फिर उस वायरस को। सर, अगर पहले वो वायरस फैल गया तो बॉम्ब को ढूंढने का कोई फायदा नहीं होगा, हम लोग पहले ही लाश बनकर ढेर हो चुके होंगे, और फिर अगर बॉम्ब फट भी गया तो कुछ नहीं होगा। और ये नंबर 571E1115 धरा का धरा रह जाएगा सर। आप नंबर पढ़ें। 571E1115। जानते हो ना इसका मतलब? हाँ जानता हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, इस बॉक्स को तुम्हें इसकी सही जगह पर पहुंचाना है, चाहे इसके लिए तुम्हें अपनी जान भी क्यों ना देनी पड़े। आप फिक्र ना करें, मैं सब कुछ देख लूंगा। तो ठीक है, लगा दो अपनी जान की बाजी। उसने ये नंबर वैसे ही बोला जैसे कोड वाकई में। ये कोड का पता लगाते लगाते वहाँ बॉम्ब फट जाएगा और लाखों लोग मारे जाएंगे। सोचो जरा वो बॉम्ब कहां रखा जा सकता है, ट्रेन में, प्लेटफॉर्म पर, रोड पर या बस में, सोचो जरा। अनुष्का। यस सर। वहीं पे रुक जाओ। सॉरी सर। अब दो कदम पीछे जाओ सीधे। Come on, come on. अब बाई तरफ 30 डिग्री। हाँ? मुड़ो। बस अब वो पेपर जैसे लिया था वैसे ही रखो। Yes. अभिजीत। अनुष्का की क्लास होगी, अपना नंबर। सर यानी मेरे जगह पर खड़े हो जाओ और पढ़ो। अनुष्का तुम हिलना नहीं। 571E। हाँ 571E। इसे पढ़कर क्या आता है तुम्हारे दिमाग में? 571E 571 एक्सप्रेस। 571 एक्सप्रेस बस। यस माय गॉड,
वो बम 571 एक्सप्रेस बस में प्लांटेड है। का मतलब 11:15 पे वो बम फटेगा। हाँ? 11:15 बजने में सिर्फ 3 घंटे बाकी है सर। सिर्फ 571E के रूट में कम से कम 20-25 बसें होंगी। सक्सेस के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है दया, हमें वो सारी बसेस छान मारनी होगी। देखिए आप लोग घबराइए मत, आप लोगों को ये बस खाली करनी पड़ेगी। प्लीज एक एक करके आप लोग ये बस से उतर जाइए। प्लीज जल्दी करिए। हाँ भी जी, है वो बॉम्ब मिल गया। बॉम्ब मिल गया। एक एक करके आप लोग जल्दी उतरिए। आप लोग हरी अब जल्दी उतरिए। आप लोग हरी अब जल्दी उतरिए। ड्राइवर साहब ये बस नेशनल पार्क लेके चलिए जल्दी। जहाँ मैं बस को नेशनल पार्क लेके जा रहा हूँ सबसे सेफ जगह वहीं पे है, तो मुझे वहीं पे आके मिलो। ओके ठीक है, मैं पहुँच जाऊँगा। अरे बस चलाइए जरा, जल्दी चलाइए जल्दी जल्दी। 10-8 मिनट बचे हुए हैं, जल्दी पहुंचो प्लीज। इसके अंदर कैप्सूल है, कहीं वो डेडली वायरस इसी में तो नहीं। सर वो वायरस और बॉम्ब एक ही है, अभी वायरस ही बॉम्ब है। सर इस वायरस के कैप्सूल को ब्लास्ट करने के लिए बॉक्स के अंदर छोटा सा बॉम्ब लगाया गया है। डैम इट, ब्लास्ट होने में सिर्फ 2:30 बाकी है। अगर ब्लास्ट हो गया तो दया और अभिजीत दोनों नहीं बच पाएंगे। वो दोनों नहीं सर, हजारों मौतें होंगी, आप मैं हम सब। सर इस वायरस को मारने के लिए हाई टेम्परेचर चाहिए, बहुत हाई टेम्परेचर। सर हमारे पास वक्त बहुत कम है, वो हाई टेम्परेचर कहाँ से लाएं? अभिजीत मुझे पता है ये हाई टेम्परेचर कहाँ है, वक्त बहुत कम है दया, फास्ट फास्ट। मैं कहाँ जा रहा हूँ दया, बताओ मुझे। सर मैं गोरेगांव की तरफ हेलीपैड में जा रहा हूँ। फास्ट दया फास्ट। दया भगाओ गाड़ी।
चलना कोशिश कर रहा हूँ मगर ट्रैफिक बहुत ज्यादा है। दया ट्रैफिक को तोड़ दो, बेफिक्र निकल जाओ बीच में से। बारह सेकंड, सिर्फ 12 सेकंड बचे हैं, चलो। अब तो आरिया पार है, टैंक को ही गोली से उड़ा देता और कोई रास्ता नहीं है। इस वायरस को उड़ाने में हमें कुछ होता हो जाने तो फायर, मरना तो है ऐसे ही मत। हो ही नहीं सकता। इसी उम्मीद में मैं भी हूं फ्रेडरिक्स, पर वो वायरस तो वही है ना। उनके लिए अच्छा होगा अगर वो सही सलामत हमारे पास वापस आ जाए, वरना मैं तो इन्हें फायर कर दूंगा। क्या बात है? आप ही की तरह जिद्दी और इरादे के पक्के हैं आपके ऑफिसर्स, कहीं फौलाद के तो नहीं बने? कुछ नहीं हुआ है, बच जाएंगे। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर। सॉरी सर, मैं आपसे हाथ नहीं मिला सकती। पर वो कहते हैं ना, और भी गम है जमाने में, पता तो लगाना है कि ये सारी साजिश किसकी है। सर, राहुल ने ये सीडी कल लोखंडवाला के किसी रेस्टोरेंट में रिकॉर्ड की थी। लोखंडवाला के रेस्टोरेंट में? यस सर। हाँ सर, ये लड़का शायद कल आया था, यहाँ बैठा था इस कुर्सी पर। उसके आसपास का बैठा हुआ कोई बंदा याद है तुम्हें? शायद एक लंबे बालों वाला आदमी, वो कुर्सी पर बैठा था सर। यहाँ पे? हाँ सर, ये कुर्सी पे। और कुछ याद है, कुछ अजीब बात? नहीं सर। ठीक है, थैंक। ठीक है, चलो इतना तो मालूम हो गया कि वो यहाँ पे आया था और उसके पास यहाँ एक लंबे बाल वाला आदमी बैठा था। तया, तुम भी वही देख रहे हो जो मैं देख रहा हूँ, सिक्योरिटी कैमरा। Why not? इसमें दिक्कत की तो कोई बात ही नहीं है, आप तो सीआईडी वाले हैं, मैं आपको सारी रिकॉर्डिंग्स दिखा सकता हूँ। सर, आप हमें कल 9 बजे से 10 बजे के बीच की रिकॉर्डिंग दिखवाइए। देखे गई उसे, जरा रिवाइंड करना उस लड़की पे जूम करना। लड़की, ये लड़की कौन है? कार का नंबर तो है ना, MHK4-34576। थैंक्स अ लॉट। उसका मालिक कोई डॉक्टर विकास। डॉक्टर विकास? कहीं है वही डॉक्टर विकास तो नहीं जो उस डेडली वायरस के
गायब हो जाने के जुर्म में फरार है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है दया, अचानक वायरस का शहर में आना और अब ये वायरस बम। होना वो डॉक्टर विकास ही है इन सब के पीछे। और ये जो एड्रेस मिला RTO से, ये हमारे रिकॉर्ड से मैच नहीं करता, अलग है। शायद ये वहीं पे छुपा होगा फरार होने के बाद। फैलने से रोक दिया है, जला दिया उसे। क्या जला दिया? हाँ, मेरा पतला पूरा होकर रहेगा, उसे कोई नहीं रोक सकता। आज नहीं तो कल तबाही होकर रहेगी। वो जब होगा तब देखा जाएगा। अभी आप हमारे साथ चलिए, यू आर अंडर अरेस्ट। नहीं, मुझे नहीं पकड़ सकते। कोई नहीं। नो नो नो, तुम लोग आगे बढ़े, मैं एक कैप्सूल फोड़ दूंगा। देखिए डॉक्टर, इसको रखिए प्लीज, पागल पर मत कीजिए, इसको नीचे रखिए। नहीं रखूंगा मैं, नहीं। देखिए डॉक्टर, ये कैप्सूल मुझे दो, किसी को कुछ नहीं होगा। होगा, सबको होगा, सब तड़पेंगे जैसे मैं तड़प रहा हूं। तुम सब मरने के लिए तैयार हो जाओ। नो नो डॉक्टर साहब, बहुत लोग मारे जाएंगे, प्लीज मर जाने दो, सबको मर जाने दो। नो, वेल गॉट बॉस, तुम भी युवराज सिंह जैसे हो। सर, डॉक्टर विकास अकेला नहीं था इस केस में, उसकी गाड़ी तो वो लड़की चला रही थी। सर, हमने पूरे घर की अच्छी तरह से तलाशी ली है, पर उस लड़की तक पहुंचने का कोई भी सुराग हमें अभी तक नहीं मिला। हमें उस लड़की को ढूंढना चाहिए। सर, शायद यही लड़की थी वो जो राहुल के साथ में थी जब राहुल हमसे मिलने आ रहा था। उसे मालूम था कि वो CID को मिलने जा रहा है। सर, हमने राहुल के फोन रिकॉर्ड्स मंगवा लिए हैं, ये है वो लिस्ट। सर, ये वो नाम है जहां फोन कॉल्स किए गए और यहां से फोन कॉल्स आए हैं सर, और इनमें से 7 लड़कियां हैं और 8 लड़के। इन 7 लड़कियों में से ही कोई होगी सर। सबको बुलाते हैं इंट्रोगेशन के लिए। शारदा, कनकी, सरोज, इस मीनाक्षी को ढूंढ के ला। सिर्फ मीनाक्षी को? हाँ, यही है वो लड़की। ओके सर, दिखाता हूँ। का अनग्राम? हाँ, नाखी से, यही है सारे झगड़े की जड़। एक ही चीज की उम्मीद थी तुमसे और तुम वो भी पूरी नहीं कर पाए, और यहाँ अपना मुंह उठाकर पैसे मांगने चले आए। देखिए मैडम, आपने तो मुझे सिर्फ वो बॉक्स उस बस में रखने को कहा था, मैंने वो कर दिया। वो CID वाले वहां पहुंच जाएंगे, इसकी तो मुझे जरा भी भनक नहीं थी। एक बॉक्स पकड़ा गया है, दूसरा बन जाएगा। वो कोई मामूली बॉक्स नहीं था, तबाही मचाने वाला बॉक्स था वो। तुम्हारी वजह से मेरे पापा का सारा प्लान चौपट हो गया। उनकी उनकी बरसों की मेहनत में पानी फिर गया। हम बदला नहीं ले पाए,
I will not let this happen. I will not let this happen. ये क्या कर रही हैं आप? ये क्या करने जा रही हैं आप? आप ये बॉम्ब पागल तो नहीं हो गए आप? पागल? पागल तो मेरे पापा हो गए थे जब उन पर इतना बड़ा इल्जाम लगाया गया, जो गुनाह उन्होंने कभी किया ही नहीं था। सारी जिंदगी उन्होंने ये रिसर्च करने में लगा दी, और बदले में उन्हें क्या मिला? देशद्रोही होने का खिताब। इसीलिए मेरे पापा ने ये वायरस चुरा लिया। फिर भी आप ये बॉम्ब ले जाकर उन लोगों को मारना चाहती हैं। ये क्या कर रही हैं आप? शट अप, जस्ट शट अप। तुम्हारी वजह से मेरा सारा बना बनाया काम बिगड़ गया। जी तो करता है कि इसकी सारी गोलियां भी इसी वक्त तुम्हारे बेचे में डाल दूं। मत करना, उसने अपनी बॉडी पे डायनामाइट लगा कर रखा है। What? डायनामाइट? मारे जाएंगे। ओके। देखो तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम जैसी लड़की के दिल में इतनी नफरत कहां से आ गई? मेरे पापा को देशद्रोही बना दिया तुम सब लोगों ने। मेरी पूरी फैमिली को बर्बाद कर दिया। शायद ये एक बात गलत हो गई। देखो ये बॉम्ब वाली जैकेट निकाल के मत दे दो। हम शांति से बैठ के बात कर सकते हैं। नहीं उतारूंगी। See you in hell, officer. For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.